स्टूडेंट्स, आज हम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स करने वाले हैं अल्कोहल टू अल्कोहल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट 10 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने कन्वर्जन लेनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो है मिथेनॉल टू इथेनॉल। मिथेनॉल टू इथेनॉल, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें हमने एक कार्बन एटम को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे मिथेनॉल की फॉस्फोरस आयोडीन के साथ में। Pi3 बना और इसकी रिएक्शन जब हमने करी है तो इसके साथ मिथेनॉल से ये बना देगा CH3I मिथाइल आयोडाइड। अब हमने CH3CN बनाना है KCN डाल के। तो याद रखें कि KCN से एक कार्बन एटम इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगा। ये हैलाइड है, हैलाइड से साइनाइड बन गया, कार्बन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया हमारे प्रोडक्ट के अंदर। और जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों साइड कार्बन में और नाइट्रोजन में दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये हमें थेनाएमीन बन गया। और जब HNO2 से इसकी रिएक्शन करेंगे तो इथाइल अल्कोहल देगा, नाइट्रोजन और वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिथेनॉल टू इथेनॉल ये हमने कन्वर्जन एक मेथड से देखी। अगर सेकेंड मेथड इसका देखें स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है? यहाँ पर जो CH3CN था उसका हाइड्रोलाइसिस करके आप एसिटिक एसिड भी बना सकते हो, जो कि फर्दर रिडक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2S6 डाइबोरेन के साथ ईथर की प्रेजेंस में करें तो रिडक्शन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये हुआ दूसरा मेथड इसको कन्वर्ट करने का। और एक और मेथड भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मिथेनॉल की अगर रिएक्शन करिए फॉस्फोरस आयोडीन के साथ में, CH3I बना और इसको अब हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे मैग्नीशियम ईथर डाल के। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना है यहाँ पर, वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने पर हमें एडिशन प्रोडक्ट देगा, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस पर यह हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोलाइसिस पे हमें इथेनॉल दे देगा। सेकेंड कन्वर्जन अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो वो है मिथेनॉल टू प्रोपेनॉल 1-propanol, यानी फर्स्ट कार्बन एटम पर OH आएगा। तो इस कन्वर्जन को आप कैसे करोगे? सबसे पहले जो है मिथेनॉल की हमने यहाँ पर रिएक्शन करी PBr3 के साथ में और CH3Br बन गया। इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया मैग्नीशियम ईथर डाल के। ठीक है, और जो हमारे को यहाँ पर प्रोडक्ट मिला है, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीरेन के साथ की। अब यहाँ पर एक कार्बन एटम का ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है और दो कार्बन एटम हमने ऑक्सीरेन से ऐड कर दिए, 3 कार्बन एटम हमें एडिशन प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर मिल गए हैं, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या दे देंगे? प्रोपाइल अल्कोहल या 1-propanol। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर कन्वर्जन करनी है मिथेनॉल टू 2-propanol। मिथेनॉल से 2-propanol में कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर 1-propanol तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल था, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम से भी हमेशा याद रखें प्रोडक्ट्स को या रिएक्टेंट्स को, क्योंकि कॉमन नेम से भी बहुत जगह रिएक्शंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मिलेंगी। तो इसके अंदर जो है आप इस कन्वर्जन को कैसे करोगे? यहाँ पर हमें मिथेनॉल टू 2-propanol में 2 कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मिथेनॉल की रिएक्शन करी फॉस्फोरस आयोडीन के साथ में, CH3I मिला और मैग्नीशियम ईथर के साथ करोगे तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमने CH3MgI बना लिया। और फर्दर जब हमने इसकी रिएक्शन करी है इथेनॉल के साथ में, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें RMgX ऐड करोगे तो एडिशन प्रोडक्ट मिला, जो कि हाइड्रोलाइसिस पे हमें यहाँ पर क्या देगा? ये हमारा OMgI सेकेंड कार्बन एटम पे लगा था, तो यही हाइड्रोलाइसिस होने पर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेकेंड कार्बन एटम पर यहाँ पर OH में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं इथेनॉल टू 1-propanol। इथेनॉल टू 1-propanol को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर जो है एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है हमें, तो सिमिलरली आपने PBr3 यहाँ पर ऐड करा, अल्कोहल को ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लिया, इथाइल अल्कोहल इथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हुआ। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करी, मतलब कि यहाँ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाना है। कैसे? मैग्नीशियम और ईथर जो है वो यहाँ पर इसमें अल्काइल हैलाइड में डाल के ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अब हमने कार्बोनिल कंपाउंड लेना है एक कार्बन एटम का। ठीक है, आप इसमें देख लो कि हमने कितना कार्बन एटम धीरे धीरे इंक्रीज करना है। हमें यहाँ पर 2 कार्बन एटम तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में मिल गए हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड हमें 1 कार्बन एटम का लेना होगा क्योंकि हमें प्रोडक्ट 3 कार्बन एटम का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड 1 कार्बन एटम का लिया और जो हमारे को यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट मिला स्टूडेंट्स, इस एडिशन प्रोडक्ट के अंदर जो है हमने
क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर जो हमारे को एडिशन प्रोडक्ट के अंदर OMGBr मिला है वो टर्मिनल कार्बन एटम पर मिला है, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो OH मिलेगा वो भी टर्मिनल कार्बन एटम पर मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर हम अगर कन्वर्जन देखें तो इस कन्वर्जन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कार्बन एटम पर OH लगा रहे हैं, इथेनॉल से 2-प्रोपेनॉल हमें यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाओगे, इथेनॉल को हम इथानल में कन्वर्ट कर सकते हैं, PCC या CH2Cl2। ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हमने अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था इसी पे बनाया था कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पे पूरा जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन ना हो के इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ रिएजेंट्स की हेल्प से। तो PCC और को हम यहाँ पर CH2Cl2 के अंदर लेंगे और CH3CHO इथेनॉल बन जाएगा, और इसकी रिएक्शन जब आप CH3MgBr के साथ में करोगे तो यहाँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं और कार्बोनिल कंपाउंड हमारा CH3CHO है, तो ग्रिगनार्ड रिएक्शन हो जाएगी, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट मिला जो कि हाइड्रोलाइसिस पर, क्योंकि OMGBr हमारा इसके अंदर कहाँ पर आएगा स्टूडेंट, सेकेंड कार्बन एटम पर, ठीक है। तो OH भी हमारा हाइड्रोलाइसिस पे सेकेंड कार्बन एटम पर रहेगा, यानी 2-प्रोपानोल। ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है एडिशन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनाया है, ये ऑलरेडी हमने मैकेनिज्म सारे डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स, लिंक में जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन के अंदर। सिमिलरली आप यहाँ पर और भी कन्वर्जन देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे इथेनॉल टू वन ब्यूटानोल में जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें 2 कार्बन एटम इंक्रीज़ करने हैं, तो आप कैसे इंक्रीज़ करोगे इनको, इथाइल एल्कोहल टू एन ब्यूटाइल एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन हमने PBr3 के साथ में की, तो यहाँ पर हमें एल्काइल हैलाइड मिल गया जिसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करेंगे, 2 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम आपने यहाँ पर दूसरा रिएजेंट लिया, तो यहाँ ग्रिगनार्ड रिएक्शन करने पर हमें एडिशन प्रोडक्ट 4 कार्बन एटम का मिल गया। OMGBr जो टर्मिनल कार्बन एटम पर लगा हुआ है वो हाइड्रोलाइसिस पे हमें OH दे देगा, ठीक है। अब हम ऐसे कन्वर्जन देखेंगे स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम कार्बन एटम को कम करेंगे, अल्कोहल्स की वो कन्वर्जन अल्कोहल टू अल्कोहल जिसमें कार्बन एटम को कम करना है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अल्कोहल की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हमने लिया है इथेनॉल, तो इसकी रिएक्शन हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में लिया और CH2OH को ऑक्सीडाइज करा दिया COH ग्रुप में, और अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा CONH4, एडिशन प्रोडक्ट मिल गया जो कि हीटिंग करने पर यहाँ पर H2O रिमूव कर देगा और हमारे को मिल जाएगा CH3CONH2 एमाइड। एमाइड CH3CONH2 के अंदर ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो हमारे को यहाँ पर मिलेगा CH3NH2। एक कार्बन एटम कम का यहाँ पर एमीन मिल रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है जो कि HNO2 पे रिएक्शन करने पर हमें क्या देगी स्टूडेंट्स, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथेना एमाइन किस क्या देगी अब हमें, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इथेनॉल टू मिथेनॉल ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमें यहाँ पर देखनी है स्टूडेंट्स वो है एन प्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है कि हमने फर्स्ट कार्बन एटम पर तो OH लगा हुआ है, 1-प्रोपेनॉल है, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन के अंदर हमने HI ऐड करना है मार्कोनी कॉर्प्स एडिशन से, तो हमें पता है कि नेगेटिव पार्ट जो है एडेंडम मॉलिक्यूल का किस पर जाएगा, जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है यानी कि अराउंड द डबल बॉन्ड CH के पास कम है, तो यहाँ पर जाके ऐड हो गया, ये हमारे को एडिशन प्रोडक्ट मिला। और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे को क्या दे देगा, OH दे देगा, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल हमारा बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो बोलेंगे, अब सेकेंडरी अल्कोहल भी इसको आप बोल सकते हो कि हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से रिएजेंट्स को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर कन्वर्जन दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हमने कन्वर्ट किया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर कि हमें सेकेंडरी को टर्शरी अल्कोहल में यहाँ पर कन्वर्ट करना है,
ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको हमें टर्शरी अल्कोहल में लेके आना है, ठीक है। और एक कार्बन एटम साथ के साथ इंक्रीज भी करना है, जबकि ऊपर वाली जो हमने रिएक्शन किया उसके अंदर कार्बन एटम इंक्रीज नहीं हुआ था, यहाँ पर कार्बन एटम इंक्रीज भी हो रहा है और सेकेंडरी टू टर्शरी भी हो रहा है। तो इसको कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिखा, इसका ऑक्सीडेशन करा, ठीक है, कॉपर के साथ कर सकते हो 573 केल्विन, या हमने लास्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन करने के बहुत सारे मेथड देखे थे अल्कोहल को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे कीटोन के अंदर, ठीक है, एसीटोन बन गया यहाँ पर, और ये कार्बोनिल कंपाउंड आ गया। जब इसकी हम अब इसमें आप देख रहे हो ये तीन कार्बन एटम आ गए हैं हमारे, और हमें एक कार्बन एटम और चाहिए, तो हम कहाँ से सप्लाई करेंगे कार्बन एटम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमें एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। और इस OMgBr का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? OH के अंदर। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कार्बन एटम से तीन एल्काइल ग्रुप और OH, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कन्वर्जन स्टूडेंट्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इस कन्वर्जन को आप कैसे कर सकते हो? इस कन्वर्जन के अंदर आपने ये देखना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो हमारा है यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, और एन प्रोपाइल अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी से प्राइमरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा? इसकी रिएक्शन हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 से की, डिहाइड्रेशन किया, वाटर रिमूव हो गया, एल्कीन बन गया। अब हमने B2S6 के साथ में इसकी रिएक्शन करनी है एल्कीन के ड्राई ईथर में, तो यहाँ हमें जो है ये मिल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जब हम H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करेंगे और ऑक्सीडेशन करा देंगे इसका, तो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल दे देगा, ठीक है। ये हाइड्रोबोरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, रिएक्शन जो है आप इसमें देख सकते हो लिंक में जाके, इसका विद मैकेनिज्म ये अपलोड किया हुआ है पूरा वीडियो। तो जो ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है हमेशा कैसा मिलता है? प्राइमरी प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंटी मार्कोनी कॉक्स रूल जो है वो काम करता है, ठीक है। वर्जन हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जब आप लिखकर देखोगे तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को हमने टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो एल्कीन बना, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे तो मार्कोनी कॉक्स रूल लगेगा, वाटर जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर पीछे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, तो वाटर ऐड करते हैं इसके अंदर, वाटर के अंदर HOH जिसमें OH नेगेटिव पार्ट है, और वो कहाँ पर जाएगा? जिस कार्बन एटम के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है या नहीं है, तो इस कार्बन एटम के पास नहीं है, यहाँ पर जाके OH ऐड हो जाएगा और H जो है CH2 के साथ में ऐड हो जाएगा, तो टर्शियरी अल्कोहल हमें यहाँ पर मिल गया। इस तरीके से हमने आज 10 बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोहल टू अल्कोहल कन्वर्जन्स की है स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।